हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शुभजीत और टेक्निकल शुभजीत में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि यूट्यूब में जो आप ऊपर में जो नोटिफिकेशन देख पा रहे हो उसके रिगार्डिंग मैं बात करूंगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे यूट्यूबर ने पूछा है वो क्या है। तो फिर आप जानते हो कि करोना वायरस जो है अभी वर्ल्ड में छा गया है, तो इसलिए यूट्यूब में भी इसका इफ़ेक्ट जो है आया है। तो फिर यूट्यूब में बहुत सारे जो स्टाफ रहते हैं और जो पार्टनर भी यूट्यूब में बहुत सारे जो रहते हैं, वो ह्यूमन रिव्यू के लिए हमारा जो वीडियो है वो कभी कभी डिटेक्ट होता है कि वायलेट्स होता है यूट्यूब के लिए। इसलिए पहले उसका जो यूट्यूब का जो मशीन है, ऑटोमेटेड जो मशीन है, वो पहले देखता है कि यूट्यूब में कोई वायलेशन पॉलिसी है या फिर नहीं है। अगर फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो उसके बाद ह्यूमन रिव्यू जो है वो होता है। लेकिन ह्यूमन रिव्यू करने के लिए यूट्यूब का जो स्टाफ है उसे ह्यूमन रिव्यू करना पड़ता है, और जो यूट्यूब का जो पार्टनर भी है वो भी ह्यूमन रिव्यू करते हैं। लेकिन इस कोरोना वायरस के लिए जो स्टाफ है अभी ठीक से काम करने नहीं आ रहा है, इसलिए जो है ह्यूमन रिव्यू कुछ दिनों के लिए जो है बंद रहेगा। इसलिए यूट्यूब का जो ऑटोमेटेड जनरेटेड जो सिस्टम है वो वेरीफाई करेगा यूट्यूब वीडियो जो है वायलेट करता है या फिर नहीं है। इसलिए आप अगर कुछ भी वीडियो अपलोड करोगे तो फिर बहुत वीडियो जो है ऑटोमेटिकली रिमूव हो सकता है, क्योंकि उसके लिए तो ह्यूमन रिव्यू तो नहीं होगा। उसके लिए आपका जो यूट्यूब का जो ऑटोमेटेड जनरेटेड सिस्टम है वही पहचान करेगा ये वीडियो ठीक है या फिर नहीं है। अगर ऑटोमेटेड सिस्टम को लगता है कि वायलेट करता है तो फिर रिमूव हो जाएगा आपका कंटेंट, और अगर लगता है जो ठीक है तो फिर नहीं होगा। तो फिर आपको घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप वीडियो अपलोड कर सकते हो। और उसके कुछ दिन बाद अगर सब ठीक हो जाए तो उसके बाद आप जो है ह्यूमन रिव्यू कर सकते हो। यूट्यूब स्टाफ आपके ह्यूमन रिव्यू करेगा, और अगर लगता है कि कम्युनिटी गाइडलाइन के विरुद्ध नहीं है तो फिर आपका कंटेंट जो है फिर से यूट्यूब में आ जाएगा। और बहुत सारे जो पार्टनर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो अभी, उसका भी टाइम लग सकता है, क्योंकि अभी जो स्टाफ एंड जो यूट्यूब जो पार्टनर्स है वो अभी काम नहीं कर पा रहा है। इसलिए यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के लिए जो भी मोनिटाइज के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके लिए भी टाइम लग सकता है। तो फिर वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो जरूर लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो फिर नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए, मैं जरूर आंसर दूँगा।